हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेरियस अकाउंट फॉर्म्स ओके टू बी यूज्ड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली, इसलिए मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरियस फॉर्म्स फॉर और पीडब्ल्यूडी अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे गिन चुन के है 15 फॉर्म्स। ठीक है, पूरे 15 फॉर्म्स में आपको आज बताने वाला हूँ। उनको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि उनको हर एक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक सिंगल वीडियो उसका बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें आज आपको 15 फॉर्म को मतलब नाम कौन से वो आपको बताऊँगा, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। राइट, तो क्या होता है, सबसे पहला जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। ओके, मेजरमेंट ओके बुक, जो कि पीडब्ल्यूडी में उसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 23। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर बनना चाहता है तो उसको एक चीज़ ध्यान में रखना है, फॉर्म नंबर 23 मतलब क्या होता है। फॉर्म नंबर 23 मतलब होता है मेजरमेंट बुक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, नॉर्मली हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बट हमें कोई लोगों को नए नए जो लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। ठीक है, तो मेजरमेंट बुक जो रहता है उसको फॉर्म नंबर 23 कहा जाता है। राइट, उसके बाद जो सेकेंड है वो होता है नॉमिनल मस्टर रोल। ओके, नॉमिनल मस्टर रोल। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 21। फॉर्म नंबर 21 इसे बोलते हैं। ठीक है, जो थर्ड वन है वो रहता है, थर्ड वन बोलेंगे इंप्रेस्ड कैश। इन सबको मैं एक एक वीडियो में बना के, हर एक का एक एक वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर एनिमेशन के साथ, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, इंप्रेस कैश का होता है वो देता है फॉर्म नंबर टू में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन होता है हमारा कैश बुक। ओके, फोर्थ वन होता है आपका कैश बुक, जो कि होता है फॉर्म नंबर 7 में। ठीक है, उसके बाद जो मेरा फिफ्थ नंबर का है वो रहेगा आपका रजिस्टर ऑफ स्टॉक रिसिप्ट इश्यू। ओके, जो कि बोलते हैं हम फॉर्म नंबर 8। ये जो फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे पीडब्ल्यूडी के फॉर्म्स है, मतलब उन्होंने बोला कि फॉर्म नंबर 7 आपको भरना है, तो फॉर्म नंबर 7 मतलब कि आपको कैशबुक भरना है। ठीक है, अगर आप ये इस तरीके से लेटर में इंडिकेट किया जाता है कि आपको फॉर्म नंबर 2 आपका रिमेनिंग है, आपने फिलअप नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म नंबर 2 मतलब इंप्रेस कैश, आपने अभी तक का फॉर्म जो है उसका फिलअप नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म इसके जो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है वो इन सारे फॉर्म्स के जरिए हमसे इंट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सिक्स नंबर का जो है वो है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल बिल। ठीक है, जिसमें क्या होता है वो हमारा रहता है फॉर्म नंबर 24। ओके, सेवेंथ नंबर जो है वो है हमारा रनिंग अकाउंट बिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रनिंग अकाउंट बिल। ओके, जो कि रहेगा आपका रनिंग अकाउंट बिल, हम जिसको ए बोलेंगे। ठीक है, वो रहता है फॉर्म नंबर
25 और वो रहता है व्हाइट कलर में, ये आपको ध्यान में रखना है, ये व्हाइट कलर में रहता है। फॉर रनिंग अकाउंट बिल जो रहता है आपका, जो कि बिल ए जो रहता है, उसको हम फॉर्म नंबर 25 बोलते हैं और वो व्हाइट कलर में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो 8 नंबर का है वो है हमारा रनिंग अकाउंट बिल, जिसको हम बोलेंगे क्या, बी, ओके, ये रहता है आपका फॉर्म नंबर 26, ओके, और ये फॉर्म नंबर 26 आपका रहता है व्हाइट कलर में, ठीक है, ध्यान में रखिए। फॉर्म नंबर रनिंग अकाउंट बिल ए भी रहता है आपका व्हाइट कलर में, रनिंग अकाउंट बी भी रहता है आपका क्या, व्हाइट कलर में, जिसको फॉर्म नंबर 26 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर जो है रनिंग अकाउंट बिल डी, रनिंग अकाउंट बिल डी जो रहता है वो रहता है आपका फॉर्म नंबर 27, फॉर्म नंबर 27A जिसको बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर का जो है वो रहेगा मतलब रनिंग अकाउंट बिल सी, रनिंग अकाउंट बिल सी जो कि रहेगा आपका फॉर्म नंबर 27 व्हाइट, 27 और रहेगा वो व्हाइट कलर में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रहेगा फाइनल बिल जो रहेगा हमारा, ये मैं अभी थोड़ा क्लियर कर सकता हूँ, 10 हो गए हमारे, ओके। 11th नंबर का फाइनल बिल जो है हमारा, फाइनल बिल बी जो रहेगा वो, उसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 26 और वो रहता है येलो कलर में, ठीक है, ओके। उसके बाद फाइनल बिल फिर से एक है, फाइनल बिल रहता है, फाइनल बिल, ओके, वो रहता है हमारा, उसको बोलेंगे फॉर्म नंबर 27B, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल बिल, फाइनल बिल सी रहता है वो, जो उसका जो कलर होता है, ठीक है, फाइनल बिल सी, ये इसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 27 बोलते हैं इसको, ओके, और ये रहता है येलो कलर में, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का रहता है हमारा हैंड रिसिप्ट, हैंड रिसिप्ट, ठीक है, जो कि रहता है हमारा फॉर्म नंबर 28, ओके, और जो हमारा 15 नंबर का है वो है हमारा कैश बुक, ठीक है, और ये कैश बुक हमारा किस में रहता है, इसको बोलते हैं हम फॉर्म नंबर 1, ठीक है। तो ये जो मैंने 15 पूरे फॉर्म आपको बताए, ये सारे के सारे फॉर्म पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, ओके, अकाउंटिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। तो अगर आपने, आपका कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, कुछ भी काम है आपका, तो आपको इन सारे फॉर्म को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्म को ध्यान में नहीं रखते हो, देन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। आपको ये सारे फॉर्म पता रहना चाहिए, उनके कलर पता रहना चाहिए, कौन कौन से कलर में होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए, और साथ ही साथ उनका यूज़ क्या होता है आपको ये भी पता रहना चाहिए। तो ये जो मैंने 15 फॉर्म बताया, तो इनके 15 वीडियोज़ में लेके आऊँगा, हर एक का एक एक वीडियो में बनाऊँगा, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेजरमेंट बुक क्या होता है, नॉमिनल मस्टर रोल क्या होता है, इंप्रेस्ड कैश क्या होती है, कैश बुक क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल क्या होता है, रनिंग बिल क्या होता है, हैंड रिसिप्ट क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।